विद्या ना सही तो ऐश ने ही कर दी। हाँ, बात कुछ ये है कि रजनीकांत अपनी इलनेस के बाद अपनी डॉटर सौंदर्या की फिल्म में लीड एक्टर प्ले करेंगे। इस फिल्म का नाम टेंटेटिवली कोचडैया रखा गया है और इसी फिल्म के लिए विद्या ने कर दी ना तो ऐश ने कर दी हाँ फॉर अ केमियो। दरअसल रजनी की डॉटर अपने डैड के लिए लीड एक्ट्रेस की खोज कर रही थी फॉर दिस फिल्म और द डर्टी पिक्चर के बाद विद्या है काफी डिमांड में, इसलिए मौका देखकर रजनी डॉटर अप्रोच्ड विद्या फॉर द लीड एक्ट्रेस रोल ऑफ दिस फिल्म, पर विद्या ने इस ऑफर को कर दिया रिजेक्ट। वेल, ये विद्या की नासमझी समझो या बदकिस्मती, पर उन्होंने रजनीकांत के ऑपोजिट कास्ट होने से कर दिया इनकार और दे दिया डेट इश्यूज का बहाना। बस फिर क्या था, रजनी की बेटी ने ऐश को अप्रोच किया जो हाल ही में मौमा बनी है। ऐश ने सौंदर्या से कहा कि वो अपनी बेटी के साथ समय बिताना चाहती हैं और एटलीस्ट एक साल के लिए कोई भी फिल्म साइन नहीं करना चाहती हैं। बट ऐश ने स्मार्टली ये भी कह दिया कि वो लीड नहीं तो क्या हुआ, बट इस फिल्म में एक केमियो रोल जरूर करना पसंद करेंगी। ऐश की इसी बात से रजनी डॉटर गॉट इम्प्रेस्ड और वो झट से हो गई तैयार टू गेट ऐश इन अ केमियो फॉर द फिल्म। तो फाइनली इस फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस के लिए तो कोई नहीं मिला, पर केमियो के लिए रजनी को ऐश जरूर मिल गई। वेल, इन सब में विद्या का ही नुकसान हुआ है क्योंकि इतना अच्छा मौका जो उनके हाथ से निकल गया है। वी जस्ट होप कि इसी तरह आपकी सभी फिल्म्स आप गवा ना बैठें। फॉर कीर्ति तरंग, जूम, मुंबई।